किंगडम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th की साइंस को पढ़ा रहा हूँ और यहाँ ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में जनरली बात की जाएगी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, और ये भी बताया जाएगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं या रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वैसे समझना काफ़ी आसान है रासायनिक अभिक्रिया को। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नया पदार्थ बन जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो CO2 बन गई और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला तो अमोनिया गैस बन गई। कुल मिला के दो अलग अलग एटम मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, यही तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब यही तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब प्रकृति में जहाँ भी दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर नया यौगिक बनाएंगे वो सभी रासायनिक अभिक्रिया होंगी, क्योंकि मैंने भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में पहली वीडियो में आपको स्पेशली अंतर बताया था कि जब भी कोई नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया दोनों ही एक दूसरे के बड़ी समरूप शब्द हैं। समरूप का मतलब होता है पैरेलल, समानुपाती, एक दूसरे के समानुपाती। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं तो इसका मतलब इन दोनों का लगभग एक जैसा ही अर्थ होता है, रासायनिक परिवर्तन का और रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों द्वारा बने उत्पादों को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा निरूपित करना ही, मतलब उनको प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये देखेंगे आप, यहाँ ऊपर भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो मैंने लिखे हैं उनको अभिकारक कहते हैं और इधर जो इन दोनों की आपस में क्रिया करने के बाद जो बना है उसको उत्पाद कहते हैं। ये बहुत ही आसान है समझना। अब हमने देखा कि इसको हम क्या कर रहे हैं, एक सूत्र के रूप में लिख रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है H3H2, अपने आप में छोटा एक सूत्र है। अब इनको सूत्रों और प्रतीक यानी कि चिन्ह लगाए, प्लस का चिन्ह लगाया, कुछ साइन लगाया एरो का, ये क्या अपने आप में एक सूत्रों के साथ साथ प्रतीक यानी कि साइन है। साइन कैसे रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, इसके मैं नियम भी लिखाऊंगा। नियम लिखने के बाद भी आप चीज़ों को जल्दी ये समझोगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। मतलब जनरली आप 10th क्लास के बच्चों के हिसाब से ये काफ़ी सरल चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा किसी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, उसका एक तो छोटा सा तरीका मैंने बताया, कार्बन अपने आप में कार्बन का फॉर्मूला या जो साइन होता है वो C होता है, ऑक्सीजन का साइन क्या है O2 होता है, और इस प्रकार से इनमें प्लस का चिन्ह लगाया था बीच में, और फिर इन दोनों की अभिक्रिया जब अभिकारकों की अभिक्रिया आपस में हो जाती है, जब दोनों अभिकारक आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद जो बनता है वो उत्पाद है, और उत्पाद को हमेशा किस साइड में लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है, जबकि अभिकर्मकों को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। वो वाली साइड लेफ्ट है, और ये जो उत्पाद वाली साइड है ये क्या है, ये जो उत्पाद वाली साइड है हमेशा राइट साइड होती है, जबकि अभिकारकों वाली साइड हमेशा लेफ्ट साइड होती है। बच्चों, अब देखिए कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बता दी थी परिभाषा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, यानी अभिकारकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, और उत्पाद जब बनते हैं तो उनके बीच में किस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है, प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को पूरा किया जाता है। बच्चों यहाँ देखते हैं, बच्चों आप समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है या किस प्रकार से लिखा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने इसकी परिभाषा आपको बता दी है, अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम और H2O, और इस प्रकार यहाँ दो सोडियम के परमाणु हैं और दो बार H2O लिया है, और फिर उत्पाद बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ इनको आयनों के रूप में तोड़ लेते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए कौन किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है। अब ये जो H2O है इसको हम जब आयन के रूप में बदलेंगे तो इसमें से दो हाइड्रोजन आयन निकल के आएंगे और दो ही OH आयन निकल के आएंगे, क्योंकि दो बार H2O लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के यहाँ पे टोटल एटम 4 हैं और ऑक्सीजन के टोटल एटम 2 हैं। यहाँ सोडियम जो है दो एटमों के साथ आया है, तो इसको अगर पानी में गिरते हैं या पानी में ये जाता है तो ये आयन के रूप में बदलता है, तो ये दो सोडियम आयन देता है। अब यहाँ हमारे सामने आयन्स की फॉर्म आ चुकी है, तो यहाँ देखा हमने सोडियम प्लस का
हाइड्रोजन भी प्लस का, ये आपस में क्रिया नहीं कर सकते, सोडियम आयन की क्रिया OH आयन के साथ ही होगी। तो यहाँ से OH आयन और सोडियम आयन आपस में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, वो भी दो बार। अब बच रहा क्या है, केवल दो हाइड्रोजन आयन बचे हुए हैं। ये जो दो हाइड्रोजन आयन बचे हैं ये गैस के रूप में बन जाएंगे और गैस निकल जाती है, ठीक है। अब देखिए जो हमने लेफ्ट साइड लिखा है यानी बाईं ओर जो लिखे हैं वो अभिकारक होते हैं और अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और साथ में इनकी नेचर को डिफाइन करने के लिए स्मॉल एस, स्मॉल एल या फिर वहाँ जी या एस इस प्रकार से लिखा जाता है। इनकी प्रकृति पता चल जाती है, अभिकारकों की और उत्पादों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। अब इनको आयंस में लिखना क्यों ज़रूरी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ताकि चीज़ें ये समझ सकें कि इसका बाउंड इससे इसीलिए बन रहा है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम भी बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो अभिकारक हैं सारे के सारे, ये आपस में क्रिया करके जब उत्पाद बनाएंगे तो बीच में एरो का चिन्ह लगाया जाता है। ये भी अपने आप में नियम का एक हिस्सा है। देखिए नियम, अभिकारक सॉरी जो अभिकर्मक होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा राइट साइड लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट साइड और वो राइट साइड। अब देखें अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि ये तीर का चिन्ह देख लिया आपने, और अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि ये अपने आप में अभिकर्मक हैं और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। ये क्या है, उत्पाद इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अभिकर्मक या उत्पाद की प्रकृति के लिए हम स्मॉल एस, एल ये सब प्रयोग करते हैं, जी बी और एक्वस यानी कि जलीय प्रकृति, एक्वस यानी ए क्यू जलीय के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। नीचे लिखते हैं इनके, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं हम, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई उत्पाद बनता है वो गैस की नेचर में बना है तो ऐसे एरो का तीर ऊपर की तरफ कर देंगे, यदि वो बॉटम में नीचे यानी कि जो प्लेन होता है इस प्रकार से कंटेनर होता है और उसमें इस प्रकार नीचे से नीचे की तरफ जम चुका है पदार्थ, नीचे की तरफ जमा हो गया उत्पाद के रूप में, तो हम ये चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम समझेंगे, देखिए अब हम समझेंगे कि आयनों में कैसे बदला जाता है कुछ तत्वों को क्या कुछ यौगिकों को, ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने है सोडियम, एक एटम है या एक तत्व है जिसको पानी में डालने के बाद वो आयन में इस प्रकार से बदल जाता है, एक पॉजिटिव आवेश उसके ऊपर प्रकट होता है, ठीक है। यदि दो सोडियम आयन होते हैं तो उनको पानी में डालने पर दो सामने रहता है और Na+ बना रहता है। इसी प्रकार से तीन हो या चार हो या पाँच हो, जितना भी डिजिट यहाँ लिखा हुआ है वो सामने आ जाता है बाद में आयन बनने के बाद में, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज एक है वो इसके ऊपर हमेशा बना रहता है, यानी कि सोडियम अपने आप पर एक ही धन आवेश शो करता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन नंबर ऑफ सोडियम एटम चाहे जितने भी हों वो उसको सामने लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है सामने, लेकिन आवेश हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। ओके देखिए जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम एक है तो H प्लस आया है, अब H प्लस ही रहेगा हमेशा, H प्लस ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास धनावेश की संख्या केवल एक ही होती है। अब यहाँ पर दो एटम हैं हाइड्रोजन के, तो हमने दो एटम H2 ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस रूप में लिखा हुआ है तब भी ये 2H प्लस बनाएगा, इस रूप में लिखा हुआ है तब भी ये 2H प्लस बनाएगा, ठीक है। आवेश तो प्लस वन ही शो करेगा हाइड्रोजन, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। कैल्शियम है, अब इसको अगर पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम प्लस टू आवेश शो करता है। अच्छा ये प्लस टू और प्लस वन का जो चक्कर है वो एस ब्लॉक से संबंधित है, कि एस ब्लॉक का पहले जो वर्ग नंबर एक है और वर्ग नंबर दो है उनके अंतर मैं आपको बताता हूँ। वर्ग नंबर एक में हमेशा जितने भी एलिमेंट आएंगे वो प्लस वन का आवेश प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के वर्ग नंबर दो में यानी ग्रुप नंबर दो के जितने भी एलिमेंट हैं वो प्लस टू का आवेश शो करते हैं। यहाँ देखिए अब मैग्नीशियम जो है वर्ग नंबर दो का एलिमेंट है, इसीलिए मैग्नीशियम प्लस टू चार्ज शो करता है हमेशा। कैल्शियम भी वर्ग नंबर दो का एलिमेंट है, इसलिए प्लस टू चार्ज हमेशा शो करता है। अब बताऊँगा मैं आपको फ्लोरिन फैमिली वाले एलिमेंट, ठीक है, यानी फ्लोरिन फैमिली वाले एलिमेंट, इनको हैलोजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। अगर ये हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से यौगिक सामने आते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। चार कंपाउंड हमारे सामने आए हैं। तो इनमें यदि हम बात करें, यदि HCl को पानी में देते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और Cl आयन में टूट जाता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से H और H+ में टूट जाता है, Br Br- नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है, यानी ब्रोमीन नेगेटिव आयन में शो होता है, क्योंकि फ्लोरीन फैमिली के सभी एलिमेंट अपने ऊपर ऋणात्मक आवेश शो करते हैं, नेगेटिव फैमिली बोला जाता है इसको, फ्लोरीन परिवार को ऋणात्मक परिवार भी बोला जाता है।
यहाँ देखिए HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड पानी में गिरने पर हाइड्रोजन आयन शो करता है और फ्लोरीन नेगेटिव आयन शो करता है। इसी प्रकार से ये तो पॉजिटिव ही शो करेगा, ये नेगेटिव शो कर देगा। अब यहाँ देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसको पानी में गिरते हैं तो दो हाइड्रोजन आयन निकल के आते हैं और सल्फर SO4 के माइनस नेगेटिव दो आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जितने एटम यहाँ पर होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चार्ज आता है, ठीक है, सिंपल। जिंक सल्फेट अब एक है इसलिए यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आया है। तो जिंक सल्फेट जिंक यानी कि +2 का चार्ज शो करता है और सल्फेट के ऊपर -1 आया है। कॉपर हाइड्रोक्साइड में कॉपर अगर पानी में जाता है तो कॉपर +2 का चार्ज शो करता है और हाइड्रोक्साइड आयन OH जो है वो नेगेटिव का चार्ज शो करेगा। इसी प्रकार से कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड में भी यही चीज़ें सामने आती हैं, बस दो आगे आ जाएगा OH आयन के, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड नाम का ये यौगिक मैग्नीशियम +2 बनाएगा और 2 OH आयन रिलीज करेगा। सोडियम में देख रहे हैं कि सोडियम NaCl है तो NaCl में सोडियम पॉजिटिव होगा और Cl जो है नेगेटिव शो करेगा। ये आयन में बनाना हम सीख चुके हैं।